Hello student, I am Anjum. I will cover NCERT book from 6th to 12th standard of social science. Because मेरा मानना ये है कि अगर NCERT को हम अच्छे से cover कर लें, अगर अच्छे से clear कर लें उसके basic concept को, तो हम किसी भी competition level के exam को crack कर सकते हैं और वो हमारे लिए easy हो सकते हैं. बिकॉज़ अगर हमारा फाउंडेशन एजुकेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, अगर हमारा फाउंडेशन एजुकेशन के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, तो हाउ वी कैन थिंक कि हम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकेंगे. वही हमारा माइंड का कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर होना चाहिए ना. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है तो हम स्टैंडर्ड बुक रीड कर रहे हैं और वो हमें समझ में नहीं आएंगे, उसके टर्म्स हमें समझ में नहीं आएंगे, हमें उसकी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी, तब देन हम कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में फेल हो जाते हैं. तो मोस्टली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि पहले अपना बेसिक कवर क्लियर नहीं करते हैं एंड इस एप्लीकेशन बुक को उठाते हैं, उसे रीड करते हैं, जो कि उनके माइंड उनके दिमाग से ही पीछे रहता है ये जो भी पढ़ते हैं. तो इसलिए मेरा बेसिक पर्पस यही है कि अगर स्टूडेंट 6th स्टैंडर्ड से ही अपना कॉन्सेप्ट को अपने कंसंट्रेशन को बनाकर और अच्छे से पढ़ाई करेगा, तो वो आफ्टर 12th कोई भी छोटा मोटा या कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करके एक जॉब ले सकता है इजीली. तो और मेरा यही पर्पस है कि अगर अभी मेरी वीडियो कोई भी बच्चा देख सकता है, 6th क्लास का जो बच्चा है वो इसे मेरी वीडियो को देखकर अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है एंड कोई UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी मेरी वीडियो को देखकर उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करके उसके ऊपर बिल्डिंग ब्लॉक बना सकता है, एप्लीकेशन बुक यूज़ कर सकता है. अदरवाइज कोई से टेट का की प्रिपरेशन कर रहा है, बीएड किया हुआ है और जैसे टेट का प्रिपरेशन करना है तो वो भी मेरी ये वीडियो देख सकते हैं. सो इट्स दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. इट्स नॉट अ पर्टिकुलर पीपल. इट्स सो ओके. सो नाउ वी स्टार्ट द आवर क्लास. दिस चैप्टर इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम ऑफ द ज्योग्राफी क्लास 6th स्टैंडर्ड. So first of all we can see this picture easily. This picture is the solar system where sun is in the center and all other planets are moving around the sun. You can see here this is the earth and there is Mercury, earth, Venus, Neptune, Saturn and Uranus, all of this. ठीक है, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड आवर कॉन्सेप्ट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये रहेगा कि आप लोगों ने कितने लोगों ने स्काई को देखा है और रात के समय या फिर जब सनसेट हो जाता है उस ड्यूरेशन में सभी लोगों ने सभी लोगों ने स्काई देखा होगा. स्काई पर देखा होंगे कि बहुत सारे जो हैं स्काई में बहुत सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे वहाँ पर, जो कि कुछ तो ऑब्जेक्ट जो हैं कि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होंगे, बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं और कुछ होते हैं तो बहुत डिम. तो स्काई इज द स्टंड विद द डायमंड की तरह दिखते हैं वो. दे ऑल अपेयर ट्विंकलिंग, एक पोजिशन में नहीं होते वो, मतलब शाइनिंग दिखते हैं एंड फिर थोड़ा डिम हो जाते हैं, एकदम लाइट हो जाते हैं, तो इस तरीके से ट्विंकलिंग करते हैं. ओके, तो हाँ, तो दिस इज कॉल्ड द ट्विंकलिंग एंड अदर्स सिंपली ग्रो विदाउट द फ्लिकर्स जस्ट एज द मून शाइन. ओके, अलोंग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डे. इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट शेप, एट डिफरेंट पोजिशन.
You can see the full moon only once in a month. Okay, if it is full moon night, it's called Purnima. If you see fourth night later, you can see new moon. It's called also Amavasya. Okay, so this is on this day you can watch the night sky pass, provided it is still your night. Okay. And do you wonder why you can't see the moon and all these bright tiny objects during the daytime? Because very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. Okay. The sun and moon, also those objects shining in the night sky, are called the celestial body. When you see the sky in the night, you would be observe a celestial body. Okay, some celestial body are very big and some are very hot. Some big and hot. They are made up of gases. They having own heat and light, which they emit in large amount. And these essential bodies are called stars. The sun is a star, countless, because the unaccountable twinkling star in the night sky are similar to the sun, but we not see their heat or light because they look so tiny, because they are very 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 far from us. Okay, so now you can understand what you read now. You read today about the celestial body. When the sun set, you can see the sky with the tiny objects. When you observe the tiny objects in the sky, it is called the star, which is very hot and bright, but it is very far away from us, so it look like very tiny. Okay, some look very bright and some look is very dim. It's look like a twinkling. So now we will move another slide. Okay, you can watch the how a small airplane look when it is flying a great height. So when is a great height, the airplane look like a smaller, like a star. Okay, when it is like a bird, so that is the reason. Okay, while the night sky, you may notice various pattern from different group of stars. There are called constellation. Ursa Major or Big Bear. Ursa Major को Big Bear भी बोलते हैं. Once constellation, one of the most easiest recognizable constellation is called the Saptarishi. Saptarishi means seven stars. It is called Saptarishi. Okay. एंड अगर हम ईस्टर्न टाइम की बात करें तो उसमें हमें क्या था कि नाइट के समय लोग स्टार के हेल्प के थ्रू डायरेक्शन का पता करते थे. जैसे कि इसमें नॉर्थ की साइड में जो स्टार है वो इंडिकेट करता है नॉर्थ स्टार को, और जो साउथ की साइड है वो साउथ स्टार करता है. इट इज़ कॉल्ड पोल स्टार. इट्स ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार. They can locate the position of the direction. Now we will move another. हाँ, ये भी है कि सब जो celestial body हैं उनके पास खुद का
हीट नहीं है, लाइट नहीं है, एंड दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार सच एज बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट. जिसके पास खुद की बॉडी में हीट नहीं है, लाइट नहीं है, विच इज कॉल्ड प्लैनेट. जैसे प्लैनेट में अर्थ आ गया, जुपिटर हो गया, वेनस आ गया, मार्स हो गया, मरकरी, नेपच्यून एक्सेट्रा. तो द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेट्स विच मीन्स वॉन्डरर. वॉन्डर मीन्स मतलब घूमना, चारों तरफ घूमते रहना. द अर्थ ऑन विच वी लिव इन प्लैनेट इट इज कॉल्ड ऑल्सो प्लैनेट. ओके, इट गेट्स हीट और लाइट फ्रॉम द सन. कहाँ से, जब इनके पास हीट एंड हीट एंड लाइट नहीं होती तो ये कहाँ से लेते हैं? इट्स गेट फ्रॉम द सन. ओके, इट इज वेरी फ्रॉम द विच इज आवर नियरेस्ट स्टार. इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस से द मून इट विल अपियर टू द सन जस्ट एज अ मून. द मून दैट वी सी इन द स्काई सैटेलाइट इट इज कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट लाइक आवर अर्थ. दीज आर सेवन एंड सेवन अदर प्लैनेट्स दैट ग्रेट हीट लाइट फ्रॉम द सन. सम ऑफ दैट हैव देयर मून्स टू. ओके, लाइक वी विल मूव ऑन द सोलर सिस्टम. यू विल अंडरस्टैंड द सोलर सिस्टम. वॉट इज द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में क्या है? सन, द सन एंड एट प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड एंड मेट्रोइड. ओके, लाइक दिस, दिस इज सन, देन मरकरी, मार्स, सॉरी मरकरी, वेनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर. मार्स एंड जुपिटर के बिटवीन में क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट है. देन सैटर्न, यूरेनियम, नेपच्यून. ओके, तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में. मूव करते हैं. सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. इसके पास क्या है? एक्सट्रीमली हॉट गैसेस है. इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स. पुलिंग फोर्स व्हेन सन इज हीट टू मच देन इट्स पुलिंग फोर्स दैट ब्लाइंड द सोलर सिस्टम. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम बट ट्रेमेंडसली हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट्स बिकॉज इतने हीट के पास भी हमारे पास पूरी से हीट वो नहीं आ पाती बिकॉज वी आर नियरेस्ट स्टार इज फार अवे फ्रॉम अस द अबाउट और अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन. That is the reason. Next planet. There are 8 planets in our solar system. In other of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Okay, we can made up acronyms like my very efficient mother just serve us to nut. So that we can understand the understand or memorize this in a sequence way. Then all the 8 planets of the solar system move around the sun is fixed path. These paths are elongated. They call orbit. Mercury is the nearest of the sun. It take only about 88 days to complete one around along its orbit. Venus and when we will talk about Venus. Venus is considered as Earth twins because its size and shapes are very much similar to the Earth. Now we will move on the Pluto.
Till recently 2006, Pluto was also considered as a planet, but meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial body, because Ceres 2003 UB33 discovered in recent past, they may call dwarf. It is maybe called dwarf planet. Now we will move on the Earth. We can try to understand the Earth. Earth is the third largest planet to the Sun, because from the Sun, first planet is Mercury, then Venus, then Earth. So then it's called Earth is the third planet to the Sun. In the size of the fifth largest means Neptune, Uranus, Jupiter, and Mars, and last one is the fifth one is Earth. So it's slightly flattened at the pole. That is why its shape is described as a geode. Geode means Earth-like shape. Okay. Now we will move on. Next slide. Condition favorable to support life are probably found only on the Earth. The Earth is neither too hot, neither too cold. It has water and air, which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the Earth is unique planet in the solar system. हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ पर क्या है कि ये तो ना तो ज़्यादा इतनी ज़्यादा गर्म है कि यहाँ पर कि लोग सब कुछ जल जाए, और ना ही इतना ठंडा है कि यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ है. तो यहाँ पर हमारे लिए बर्फ ना और हमारे लिए एयर है ताकि हम ब्रीथिंग कर सकें और सर्वाइवल लाइफ को सर्वाइव कर सकें. ऑक्सीजन है. सो दैट अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. From the outer space, Earth appear blue because its two-thirds surface is covered by water. Okay, it's called a blue planet. Now we will move on. Moon. Our Earth has only one satellite, that is called Moon. Its diameter is only one quarter that of the Earth. Is appear so big because it is near to our planet than the celestial body. It is about 384,400 kilometer away from us. Okay. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun that from the Moon. Okay. Now from Moon around the Earth is about 27 days. It takes exactly same time to complete one spin. As a result, only one side of the Moon is visible to us on the Earth. The Moon does not have condition favorable for life. It has mountain, plain, and depression on its surface. These cast shadow on the Moon surface. Look at the full Moon and observe these shadows. Before moving ahead, we can see interesting fact. Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the Moon, and 20 July 1969 find out the whether any Indian has landed on the Moon. Satellite is a celestial body that move around the planet is in the same way as the planet move around the Sun. A human-made satellite is an artificial body. It is designed by
scientists to gather information about the universe or for communication. It is sky rocket placed in the orbit around the earth. Some of the Indian satellite spaces are the INSAT, IRIS, EDUSAT, etc. Now we will move on asteroid. Asteroid is apart from the star, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also around the sun. These bodies are called asteroids. They are around between the orbit of Mars and Jupiter. Now we will move on the meteoroids. The small piece of rock which move around the sun are called meteoroids. Some are these meteoroids come near the earth tend to drop upon. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor without being completely burned fall on the earth and creates a halo. Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on clear starry night? It is the cluster of millions of stars. This band is called Milky Way. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient time, India was imagined to be named Akashganga. It is called a galaxy. It is a huge system of the billions of stars and clouds and dust and gases. There are millions of such galaxies that make universe. It is cool to imagine how big universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us one belong of this universe. Now this is Earth, solar system, Milky Way and universe. Now we will discuss all the topics, and you are able to write answer of these questions. Okay, so thank you.